नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए NMDC लिमिटेड की ओर से नया वैकेंसी निकल करके सामने आया है। बहुत अच्छा वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है। इन सभी वैकेंसीज़ के ऊपर जो स्टूडेंट है बहुत कम ध्यान देते हैं, और जो भी इन सभी वैकेंसीज़ का प्रिपरेशन करते हैं उनका सिलेक्शन का चांस भी बढ़ जाता है। तो अगर आपने इस वैकेंसी के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी निकला है NMDC लिमिटेड की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है, जहाँ पे देखिए दोस्तों जूनियर ऑफिसर ट्रेनी का यहाँ पे वैकेंसी निकला है। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे कॉमर्शियल, इन्वायरमेंटल, जियो एंड QC, माइनिंग, सर्वे, केमिकल, सिविल और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, आई और मैकेनिकल का वैकेंसी आप सभी देख पा रहे होंगे। जहाँ पे देखिए कमर्शियल का 4 वैकेंसी है, इन्वायरमेंटल का 1 वैकेंसी निकला है, जियो एंड QC का 3 वैकेंसी है, माइनिंग का 56 वैकेंसी यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, सर्वे का 9 वैकेंसी है, केमिकल का 4 वैकेंसी है और यहाँ पे सिविल का 9 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल का 44 वैकेंसी है, आई का 3 वैकेंसी है और मैकेनिकल का 20 वैकेंसी यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्शियल के लिए यहाँ पे देखिए डिग्री इन इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ MBA या फिर PG डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट विथ CA या फिर ICMA है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल के लिए देखिए दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, केमिकल, माइनिंग या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जियोलॉजी वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका भी MSc डिग्री है जियोलॉजी में है आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। MSc इन केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा वैकेंसी निकला है। जियो एंड QC के लिए MTech मांगा गया है, जियोलॉजी में अगर आपका MTech है तो आप भर सकते हैं। माइनिंग में देखिए दोस्तों 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी डिग्री है उसको डिटेल में इस नोटिस को डाउनलोड करने के बाद आप पढ़ सकते हैं। चैनल जो है हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इस नोटिस को मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। सर्वे का जो वैकेंसी है यहाँ भी आपको डिप्लोमा इन माइनिंग या फिर डिप्लोमा इन माइंस मांगा गया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल में जो भी MSc केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट है वो सभी ज़रूर से अप्लाई करें। MSc जिन्होंने केमिस्ट्री में किया है ज़रूर से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग है तो भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट यहां पे सिविल पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो 32 ईयर्स है, अगर आपका 32 ईयर्स से कम है तो आप भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा जो भी ST/ST कैंडिडेट है उनके लिए, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, जो आपको पेमेंट मिलने वाला है वो आपको 37,000 मिलने वाला है, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उस हिसाब से देखिए 12 महीने का ट्रेनिंग पीरियड है। उसके बाद डिप्लोमा होल्डर के लिए आपका 18 महीने का यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है। उसके बाद देखिए 37,000 से 130,000 का आपका यहाँ पे पेमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगा। अलग अलग जो कैटेगरी है उनके लिए पोस्ट का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। ST/ST OBC EWS अनरिजर्व्ड वाले कैटेगरी जो हैं वो आप सभी यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर इस नोटिस को डाउनलोड करने के बाद आप सभी चीज़ों को डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है वो सभी प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आपको जो वेबसाइट है NMDC का ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे चले जाना है, करियर वाले ऑप्शन में जा करके यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़रूर से सभी डिटेल को देख लीजिएगा, www.nmdc.co.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और आपका जो अमाउंट लगने वाला है 250 रुपया फ़ीस लगने वाला है, जनरल कैटेगरी या फिर EWS या फिर OBC कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है 250 यहाँ पे आपका फ़ी लगने वाला है। बाकी ST/ST PWD या फिर एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए यहाँ पे फ़ी नहीं लगने वाला है, ठीक है। डेट याद रखेंगे दोस्तों, लास्ट डेट जो है 10 नवंबर यहाँ पे लास्ट डेट है अप्लाई करने का, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 10 नवंबर इस डेट को लिख लीजिए, ठीक है, 10 नवंबर लास्ट डेट है इसका, जो अप्लाई है वो स्टार्ट हो चुका है। बाकी जो भी चीज़ें हैं किस प्रकार से क्या होने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस, आप सभी वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन डेट याद रखिएगा, फॉर्म फिलअप जो है आपका स्टार्ट हो गया है, 10 नवंबर लास्ट डेट है, ठीक है, 10 नवंबर से पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार जॉब रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, सभी छोटे बड़े जॉब्स के अपडेट मिलते रहेंगे, उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें, सामने के बेल के आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर दें। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से ज़रूर से आप फॉर्म अप्लाई कर दें। धन्यवाद।